जेवियन अपने बर्थडे के बलून्स फोड़ रहा है यहाँ पे, ऑलरेडी सारे फूट चुके हैं, मैंने लिया नहीं बट अभी सोची लास्ट में आप लोगों को दिखा दूं। ब्रेक 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 जेवियन ब्रेक जेवियन को दो ब्रेक। अच्छा उसको नीचे उतरने दो, कम डाउन जेवियन। चार उसको ब्रेक करने, वो ब्रेक करेगा, ब्रेक दे दो। वो कर रहा है ना। 1 2 3 गुड बॉय। तो ये सारे वो देखो बस स्टार कर रहा है सारे। पॉपिंग है इसमें। तो जेवियन के बर्थडे के सारे डेकोरेशन निकल चुके हैं, सब कुछ मैंने हम लोग ने पॉप कर लिया है, बस एक ये वाला डायनो बचा हुआ है। ये डायनो बचा हुआ है, जेवियन बाद में आराम से कर लेगा खेल खेल के। और ये भी बचे हुए ये एनिमल है ना, ये टाइगर और सीग्रा, जेवी का सी ये मोस्टली काऊ लग रहा है, ये काऊ लग रहा है लेकिन फोटो में तो जीब्रा दिखा रहा है लेकिन काऊ है ये। तो ये सब बचा कर बाकी ये अल्फाबेट हैप्पी बर्थडे जो यहाँ पे लगा था ना उसको भी चार चलो चलो सब हटाओ। बिल्कुल फन नहीं है राइट। सो चार फटाफट क्लीन कर दो ओके, सब हटा दो थैली में भर लो। जेवियन खुश हो गया, बलून सारे फूट गए तो जेवियन खुश हो गया, मजा आ गया। तो स्टार के बर्थडे में भी हम लोग ने सेम ऐसे ही किया था, ब्रेकिंग एवरीथिंग, ब्रेकिंग ऑल द बलून दैट वी मस्ट हैव टू ब्रेक द यूनिकॉर्न वंस। यस 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 जेवियन ब्रेक ब्रेक। रुको रुको देखने दो, अभी जेवियन को देखना वो तोड़ने से पहले कान बंद करेगा अपना। जाओ ब्रेक ब्रेक द डायनासोर। 1 2 स्टार आप नहीं देखो कान बंद कर। तो फाइनली ये डायनो वाइनो भी ब्रेक हो चुके हैं और जेवियन हैप्पी हो गया फाइनली। चलो सारा कचरा निकल गया। तो यहाँ पे जेवियन और स्टार जो है वो फॉइल कर्टन्स निकाले थे ना उसके साथ भी बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे थे। तो स्टार के बर्थडे में भी हम लोग ने यही किया था जब हम लोग सारा डेकोरेशन निकाल रहे थे, अगर आप लोग ने देखा होगा तो जोया और जेवियन और स्टार ने मिलके बहुत ज़्यादा मस्ती की थी। तो यहाँ पे मेरे मॉम डैड भी इंक्लूडेड हो गए इस मस्ती में क्योंकि उनको बहुत मज़ा आ रहा था जेवियन और स्टार मिलके खेल रहे थे। तो यहाँ पे मेरे डैड वो फॉइल कर्टन्स डाल रहे थे, मॉम डाल रही थी और फिर जेवी को जेवी के साथ थोड़ा बहुत खेल रहे थे। तो इसमें जेवियन बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा। तो ऐसे हमने सारा डेकोरेशन वगैरह निकाला, क्लीन किया और फिर सब कुछ वाइंड अप किया क्योंकि घर छोटा सा होता है तो आप ये डेकोरेशन ज़्यादा टाइम नहीं रख सकते। स्टार के बर्थडे में हमने बहुत टाइम वो डेकोरेशन रखा था क्योंकि बच्चों को अच्छा लग रहा था और हमने बहुत मेहनत से स्टार का बर्थडे डेकोरेशन किया था। तो जेवी के बर्थडे में थोड़ा मिनिमल डेकोरेशन था और छोटा सा घर है तो हमने क्या किया, इमीडिएटली नेक्स्ट डे ही सारा डेकोरेशन निकाल दिया। एवरीबॉडी तो जेवी का हो रहा है ऑपरेशन गोरिल्ला। तो मैंने आप लोगों को दिखाया था ना वीडियो में कि जेवी का हाथ में मच्छर वगैरह काटा था तो अब जाके ये 2-3 दिन बाद ना मम्मी 2-3 दिन बाद ही सबसाइड हुआ। हमने बहुत सारे आइस पैक्स लगाए, रोल ऑन लगाया, एलोवेरा जेल लगाया, क्या क्या नहीं लगाया ना, बहुत कुछ लगाने के बाद वो थोड़ा सा सबसाइड हुआ है बट अभी नई चीज आ गई है जेवी को। जेवी गेट साइड। तो ये जेवी को ना पता नहीं क्या हो गया था पैर में, पहले आप लोग देखते तो बहुत ज़्यादा ऐसा ना बड़ा सा ना बॉयल 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 टाइप हो गया था। 3-4 दिन से ये लगा हुआ था, हम लोग इसका ना इसको क्लीन कर रहे थे, इसके ऊपर बीटाडिन न्यूस्प्रिन पाउडर सब लगा के इसको ना बैंडेज करके लगा के फिर इसको किया। तो जेवी बाहर नहीं भी नहीं एक दिन बाहर निकला था, पता नहीं क्या हो गया उसको। अले बापले अले बापले। तो ये अब इसका ऑपरेशन शुरू होने वाला है। एक दिन में ऐसा हो गया, सेवी को लेटा दिया इधर, अब इसको फोन देना पड़ेगा तो ही इधर चलेगा चीजें। तो यहाँ पे उसके ऑपरेशन के लिए बहुत सारी चीजें निकाल के रखी है। अभी हाइड्रोजन परऑक्साइड डाल देते हैं। हाँ तो ये इससे क्या होता है ना कि थोड़ा इन्फेक्शन वगैरह कुछ भी हो ना, तो आई थिंक हम लोग वहाँ पे गए थे ना तो थोड़ा बारिश का पानी वगैरह ना थोड़ा सा लग गया होगा उसके पैर में, तो अगर कुछ भी इन्फेक्शन वगैरह ना तो जा
रिलैक्स चलो चलो। तो यहाँ पे जेवियन को फोन लेके बिठा के रखा हुआ है और अभी बस इसको बैंडेड कर देंगे बीटाडिन लगा के, ताकि ये कल तक अच्छे से सूख जाए। ये दो चार दिन से तो इसमें से पस निकल रहा था, तो आई थिंक कुछ बारिश वारिश का पानी लगा है और फिर इसको इन्फेक्शन हो गया है। तो अब मम्मी बीटाडिन लगा देगी और बैंडेड लगा देगी तो भर जाएगा वो कल तक। इसको देखो इसको देखो इसको देखो, ऑपरेशन हो रहा है इसका तो, वो खुश हो रहा है, कुछ हो रहा ऑपरेशन हो रहा। तो कल शाम तक ये बंदा हुआ ना सोना चाहिए जेवियन शाम। मदी 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 डैन डैन, अभी अभी जेवी की चाल, जेवी की चाल इज मस्ट। अभी गो वॉक, चलने में तकलीफ हो रही है जेवी को। हाँ एक्सरसाइज चल रहा है इसका, फिर भी उस पर चढ़ेगा वो, मेहनत कर रहा है चढ़ने के लिए। उसमें जाने वाला था क्यों? सही तो मैं दिखाई नहीं देता, नाम लिखा हुआ है। रोका तो नहीं, कुछ भी पापा तो जूते निकालो। छुट्टी लेके बहरीन से, उनको छुट्टी मिल नहीं रही थी, थोड़ा सा उनको काम वगैरह था, तो बस उन्होंने ख़त्म वगैरह किया और फटाफट आए, क्योंकि हम लोग को ट्रैवल वगैरह भी करना था। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड आ गए और बच्चे काफ़ी एक्साइटेड हो गए देख के। तो यहाँ पे उन्होंने अपना बैग वगैरह खोला, तो सारा सामान मैं लेके आई थी बॉम्बे के लिए, तो वो थोड़ा भोपाल वगैरह जाने के लिए थोड़ा सामान लेके आए थे, और साथ में जेवियन के लिए थोड़े गिफ्ट्स भी लेके आए थे। तो जेवियन को एनिमल्स पसंद है, तो ज़ेब्रा और कुछ और एनिमल्स लेके आए थे, पर जेवियन बहुत स्लीपी मूड में था। मेरे हस्बैंड सुबह सुबह आए थे और स्टार भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी अपने पापा को देखकर, तो बस जो जो वो लेके आए वो ओपन करके देख रहे थे। मैंने मास्क बहुत सारे मंगा लिए थे, क्योंकि बहरीन में मास्क इज़ वे मोर चीपर दैन इन इंडिया, तो इसीलिए मैंने काफ़ी सारे मास्क मंगा लिए थे कि ट्रैवल करने के लिए हम लोग को। प्लस ये कुछ कुछ बैग्स लेके आए थे, तो वो मुझे मेरे हस्बैंड दिखा रहे थे। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड आते वक्त बकलावा भी लेके आए थे, तो मुझे बकलावा बहुत पसंद है, तो बहुत अच्छा लगता है, तो वो लेके आए थे, तो मैं उसको खा के इंजॉय कर रही थी। अब मेरे हस्बैंड सुबह सुबह आए थे, तो हमारा दिन सुबह सुबह ही शुरू हो गया था, काफ़ी सारे काम थे हम लोग को बैंक वगैरह के निपटाने के लिए। फिर शाम को मैं और मम्मी गए थे थोड़ा सा स्ट्रीट मार्केट में, थोड़ा सा शॉपिंग वगैरह करने के लिए, क्योंकि हम लोग भोपाल वगैरह जाने वाले थे, तो थोड़ी सी शॉपिंग वगैरह हमको करनी थी। हाय एवरीबॉडी, तो हम लोग आए हैं मीरा रोड के मंडे मार्केट में, और ये है वेजिटेबल मार्केट। यहाँ पे सामने जैन मंदिर है और यहाँ पे सारे वेजिटेबल्स मिलते हैं, सारे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स यहीं पे मिलते हैं। सो आई थिंक ये 6:30 का टाइम था, हम लोग थोड़ा सा जल्दी आ गए थे मार्केट के हिसाब से, मार्केट थोड़ा सा लेट ही शुरू होता है, बट लोकल जो शॉप्स थे वो सारे ओपन थे। और यहाँ पे राखी का सीज़न आने वाला था करके बहुत जगह राखियाँ बिक रही थी और शॉप्स वगैरह सारे ही ओपन थे। तो हम लोग को मतलब एज़ यूजल मंडे वगैरह होता है तो शॉप्स बंद रहते हैं, पर नॉर्मली शॉप्स खुले हुए थे यहाँ पे, और मुझे राखी दिख गया तो मैंने सोचा कि चलो जेवियन के लिए एक राखी ले लेती हूँ स्टार की तरफ से। तो यहाँ पे बहुत ही कार्टून वगैरह के टाइप्स के राखी थे, जो देखने में बहुत अच्छे लग रहे थे, छोटा भीम और ये सब करके छोटे छोटे जो बोलते ना फैंसी टाइप राखी, और प्राइजेस भी इनके रीज़नेबल थे। तो मैंने एक राखी ले ली जेवियन के लिए, ताकि स्टार उसको बांधे और हम राखी भी इंजॉय करें। आ रही तो देवी के लिए हमने ये वाला ले लिया राखी। तो यहाँ पे बहुत सारे राखी के ऑप्शंस हैं, आप लोग ने देखा ही होगा, तो मुझे कुछ यूनिक से दिखे। स्पिनर वाला राखी भी है और यहाँ पे और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सबने ले। तो गाइस बारिश का अच्छा खासा क्लाइमेट चल रहा है और यहाँ पे भी वेजिटेबल्स बिक रहे हैं, और अभी हम लोग ये जैन मंदिर के यहाँ से जाके मंडे मार्केट में जाएंगे। लेट्स सी, देखते कुछ है कि नहीं। बैग्स भी बिक रहे हैं यहाँ पे मार्केट जाने के लिए बैग्स। तो ये जैन मंदिर और यहाँ से मार्केट शुरू होता है। पॉलिथीन बैग्स, ओह माय गॉड, आर्मी पीपल।
सो यहाँ पे स्टार्टिंग में ही सारे पॉलीथिन बैग्स मिल रहे हैं, और यहाँ पे भी कोई मंदिर है लगता है, सब ढक के रखा हुआ है यहाँ पे, आई डोंट नो व्हाई। तो अभी तक मार्केट शुरू नहीं हुआ है यहाँ पे, वरना पूरा भीड़ भाड़ लगा रहता है, पर अभी तक मार्केट शुरू नहीं हुआ। स्टील के बर्तनों की होड़ लगी है, ये देखो दुकान के सारे लोग ना यहाँ पे बैठे हैं। दिस पीपल आर सिटिंग ओवर हियर मार्केट लगाने के लिए, पर आई थिंक म्युनिसिपैलिटी लोग अलाउ नहीं करते। धीरे धीरे मार्केट शुरू हो रहा है। हेलो, वो शाउट आउट दे देना, मेरा चैनल है 1300 सब्सक्राइबर। पीपल आर रनिंग। सो म्युनिसिपैलिटी लोग आ रहे करके कोई भी दुकान लगा नहीं रहा है, सो मार्केट में कुछ है नहीं। देख रहे देखो वो आर्मी वाले आ रहे हैं, उनको देख के डर गए। हाँ, यहाँ पे तो किसी को भी मार्केट में लगाने दे नहीं रहे, लोग जा रहे फिर आ रहे। पीपल आर सेइंग हाय बाय। तो धीरे धीरे मार्केट सेट हो रहा है, लोग बैठ रहे हैं। लेट्स सी, देखते हैं। मुझे बड़ा एम्बैरेसिंग हो रहा है वीडियो लेने में, सब हाया लोग किए जा रहे हैं। Rat poison. तो मार्केट यहाँ पे ज़्यादा कुछ ओपन नहीं था, जैसे कि आप लोग ने देखा कि बहुत सारे आर्मी वाले और म्युनिसिपल वाले घूम रहे थे, तो मार्केट लगाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था। फिर भी थोड़े थोड़े लोगों ने लगाया था जहाँ पे वो लोग नहीं आ रहे थे। मैंने तो शॉप्स वगैरह से थोड़ी सी शॉपिंग कर ली, और उसके बाद मुझे एक दो टॉप्स वगैरह भी लेने थे तो वो भी ले लिए, और जेविन के लिए थोड़ी सी चीज़ें लेनी थी तो वो भी मैंने थोड़ी बहुत शॉपिंग कर ली। तो ज़्यादा कुछ मैंने ले नहीं पाई, मुझे स्ट्रीट शॉपिंग अच्छी लगती है इनफैक्ट, लेकिन नहीं ले पाई क्योंकि स्ट्रीट शॉपिंग चालू ही नहीं था। गाइस, सब जगह पुलिस घूम रही है, शॉप्स लगाने दे नहीं रही है। बारिश हो रही है। मुंबई की बेवक्त की बारिश अचानक ही शुरू हो गई थी, और हम लोग को थोड़ी देर साइड में खड़े रहना पड़ा था। बट बारिश ऐसी होती है मुंबई की कि आजकल की थोड़ी सी होती है फिर रुक जाती है, मतलब जब हम आए थे तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, बट ऐसी बारिश अब नहीं हो रही है। तो यहाँ पे मुझे आप लोगों को दिख रहा है पॉपेट बैग्स एंड यूनिकॉर्न बैग्स वगैरह दिख रहे थे, तो ये स्पेसिफिकली मैंने स्टार के लिए वीडियो लिया था कि उसको दिखा पाऊँ कि यहाँ पे पॉपेट बैग्स और यूनिकॉर्न बैग्स भी मिलते हैं, क्योंकि मैं उसको लेके नहीं आ रही थी। तो यहाँ पे बस हम लोग का शॉपिंग वगैरह ख़त्म हो गया था ऑलमोस्ट, और बस हम लोग चाट खाने के लिए आ गए थे। तो मुंबई का फेमस चाट है, तो चाट तो जब भी आए खाना पड़ता ही है। तो यहाँ पे मेरी मम्मी खा रही थी सेव पूरी, और मैंने लिया था पानी पूरी, और बस ये खा के हम लोग चले गए थे घर पे। हमारा दिन हो चुका था ख़त्म, और हेक्टिक डे फाइनली एंड हो चुका था। तो हाय गाइस, आई एम बैक। तो मैं फटाफट ज़रा चेंज कर लेती हूँ और फिर मैं आप लोग से मिलती हूँ। तो घर आए, हमने फटाफट चेंज किया, फिर मैंने डिनर वगैरह किया, उसके बाद फिर मैं अपना नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन करने जा रही थी। तो बस मेरा बहुत सिंपल सा रूटीन होता है, बस फेस वॉश करती हूँ, उसके बाद एक दो मेरे सीरम्स होते हैं वो लगाती हूँ, और अपना मॉइस्चराइज़र लगा के बस सोने चली जाती हूँ मैं। तो बस ये होता है मेरा नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन, जो मैं नॉर्मली एवरी डे करती हूँ रिलीजियसली।
हाय गाइस, तो मेरा नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन तो हो चुका है, तो अब मैं जा रही थी सोने के लिए। तो सोने से पहले मैं आप लोगों से कुछ बताना चाहती हूँ। तो अब जब से मैं इंडिया आई हूँ, थोड़ा सा स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि बहरीन और इंडिया के टाइमिंग में थोड़ा सा फ़र्क है। तो इसीलिए थोड़ा सा स्लीप डिस्टर्ब की वजह से अगर आपके स्लीप प्रॉपर नहीं हो तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है आपको। तो अगर एक अच्छी स्लीप, ब्यूटी स्लीप बोले तो बहुत ज़रूरी होती है। तो अगर ब्यूटी स्लीप नहीं हो तो आप कि जो है ना स्किन कोलाजन डैमेज हो सकते हैं। तो अगर आपका एक रेस्टफुल स्लीप होगा तो आप हील और रिकवर कर सकते हो और आपके जो ग्रोथ हॉर्मोन्स हैं वो बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना स्लीप प्रॉपर रखें। तो इसीलिए कुछ दिनों से मैं कुछ ट्राई कर रही हूँ, वो है ब्लिसफुल गमीज़। और ये है पावर गमीज़ के ब्लिसफुल गमीज़, और मैंने ये कुछ दिनों पहले मंगाए थे। और मुझे ये, मैं जब से लेना मैंने शुरू किया है, मुझे काफ़ी कुछ डिफरेंस फील हो रहा है। मुझे नींद बहुत अच्छी आ रही है, और इसमें 60 गमीज़, सो 2 गमीज़ आपको एवरीडे लेने पड़ते हैं। ये बहुत ही प्यारे से बॉक्स में आता है ऐसा, और इसके अंदर आपका ये बॉटल होता है आप, और इसके अंदर के जो गमीज़ होते हैं वो एग्जैक्टली बेयर के जैसे दिखते हैं, बहुत ही क्यूट और अमेजिंग दिखते हैं। तो आपको बस 2 गमीज़ एवरीडे लेना है और आप अपना स्लीप में डिफरेंस डेफिनेटली देखोगे। ब्लिसफुल ब्यूटी स्लीप गमीज़ हेल्प टू हैव गुड नाइट स्लीप, व्हिच इज क्रिटिकल टू रिस्टोर हेल्थ एंड वेलबीइंग। नो मोर टॉसिंग एंड टर्निंग on the bed, get undisturbed sleep with these yummy gummies. Hectic schedule, multitasking and daily stress takes a toll on your mental health. Blissful beauty sleep gummies help to reduce stress and anxiety. It also helps to calm down and relax so that you can be the best version of yourself. Deep sleep is the time when your skin gets repaired and recharged, so wake up with a brand new skin every day. These gummies are designed to supercharge you in sleep, helps you get desired skincare with soulful sleep. Take 2 gummies a day, 30 minutes before bedtime, for effortless beauty sleep every night. A healthy skin and a productive day start with a proper night's rest and deep beauty sleep. तो पावर गमीज के ब्लिसफुल स्लीप में है मेलेटोनिन, जो आपके वेक साइकिल और स्लीप साइकिल को मैनेज करते हैं, जो आपके नींद को टूटने नहीं देते और आपके स्लीप पैटर्न को बैलेंस करते हैं। सो इट ऑल्सो हैज पैसिफ्लोरा एक्सट्रैक्ट्स विच काम्स योर बॉडी, रिलैक्सेस योर माइंड एंड रिड्यूसेस योर एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस, सो दैट यू कैन वेक अप फ्रेश एंड ब्यूटिफुल एज एवर। सो इट ऑल्सो हैज विटामिन B6, इट हेल्प्स टू कोप अप विद डेली स्ट्रेस, and it also produces like serotonin and dopamine. And power gummies जो होते हैं वो different flavors में आते हैं, और blissful sleep की जो gummies है वो passion fruit के flavor में, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। So power gummies are scientifically proven, 100% clean, cruelty free. So you have beauty sleep with no side effects and addiction. So आप अपना फुल पावर गमीज मंगा सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप उसको मंगाइए, ट्राई कीजिए, ट्राई फॉर योरसेल्फ, और अगर आपको पसंद आता है तो फिर उनके दूसरे रेंज भी आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं।